नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 22 इयर्स ओल्ड मेल पर्सन और इनका कहना है कि ये फॉरेन कंट्री में रहते हैं, मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं। अब इनका क्वेश्चन ये है कि वहाँ पर इनको सर्जरी में एडमिशन चाहिए और आगे फर्दर अपनी रेजिडेंसी के लिए, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं? आगे एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं, बड़ी प्रॉपर्टीज़ लेना चाहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनके हाथ में हमें क्या दिखता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अच्छा खासा सुंदर सा पिंक कलर का पाम है। पिंक कलर का पाम जीवन में खूब राइज ग्रोथ कराता है। अब इनकी जो मन में इच्छा है बिज़नेस करने की, तो देखिए ये इस तरह का अपना इस तरह की अपनी प्रैक्टिस करने का योग भी बनाता है। तो ये आगे चल के जीवन में हो सकता है, अपना हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस भी ये कर सकते हैं और उसमें काफ़ी अच्छा पैसा बनाना या होता है कि अच्छी अर्निंग कर लेना, वो चीज़ भी दिखती है। तो एक तो ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ जो है इनका देखते हैं भाग्य रेखा में, यहाँ पर ये देखिए यहाँ से निकलना भाग्य रेखा का और चंद्र पर्वत का फ्लफी होना ये फॉरेन कंट्री पहुंचाता है। यहाँ से ये देखिए ये लाइफ में चेंज आया, ये फॉरेन कंट्री पहुंच गए, अपनी पढ़ाई करने लगे। यहाँ पर अगर मैं आगे देखूं, ये देखिए अभी इनकी एज 22 है, यहाँ से कट चला और चलता रहा। ये देखिए ये कंटिन्यूएशन, चीज़ें कंटिन्यूएशन में चलेंगी, ब्रेक्स नहीं है इनके जीवन में। इनकी पढ़ाई पूरी हो सकेगी, जो जो ये इच्छा करेंगे वो पूरी हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ से भी एक हल्की सपोर्ट मुझे दिखती है, ये इस तरह की रेखा दिख रही है। तो परिवार वालों का सपोर्ट मिलना, इस तरह की सपोर्ट्स हैं और आगे भी ये करते रहे। ये देखिए यहाँ से भी एक ये लंबी लाइन, तो ये अगर मैं इसको और बायफोकेट करके चलूँ इस लाइन को, तो देखिए इन्हें सेट होने में तकरीबन अगले 4-5 साल में ये सेट अच्छे से हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर 27 तक आते थे, ये देखिए ये लाइन थोड़ी सी हार्ड रेडनेस है, ये लाइट होती जा रही है। यानी कि जो बर्डन होता है ना माइंड पर कि मैं जो कर रहा हूँ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं जो मैंने राह ली है, जो पाथ में जिस पाथ पे मैं चल रहा हूँ वो पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जो मिशन है मेरा पूरा होगा नहीं होगा, ये 26-27 तक आते आते फुलफ़िल हो जाएगा ये इनका, और सब चीज़ एकदम सेट हो जाएंगी इनकी लाइफ में। कि हाँ, मतलब जैसे होता ना कि हाँ मेरा अब 90-95% काम हो गया, अब मैं बाकी धीरे धीरे और करता रहूँगा। इस तरह से इनकी पढ़ाई का काम है और भी जो चीज़ें रेजिडेंसी है चाहते हैं, मतलब जैसे होता ना कि धीरे धीरे तो चीज़ों के लिए अप्लाई करते जाना, फिर वो फुलफ़िल होते जाना, ये सब चीज़ें दिखती हैं, ये फुलफ़िल होती हुई लग रही हैं। ये तकरीबन देखिए ये कंटिन्यूएशन में चीज़ें चल रही हैं इनके जीवन में। फिर 32 पे एक चेंज आएगा, फिर 48 पे एक चेंज आएगा, और कोई ऐसा इनकम का बढ़िया काम ये करेंगे कि एकदम कंटिन्यूस डार्क इनकम बहुत होता है, सॉलिड इनकम 48 पे। तो हो सकता है कि ये कोई और बड़ा जैसे हॉस्पिटल खोलना या कोई बड़ा और कुछ करना, तो वो चीज़ भी दिखाई देती है। तो अपना काम अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, अपना कोई जैसे होता है हायर लेवल पे वर्क, वो दिखता है। इनका क्वेश्चन था एक सर्जरी के सब्जेक्ट को लेके कि सर्जरी, देखिए सर्जरी के लिए ना मंगल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जो सर्जन्स होते हैं, सर्जन यानी जहाँ तक मेरे को समझ आ रहा है जो ऑपरेशंस करते हैं, तो उसके लिए मंगल हैवी होना चाहिए। तो मंगल हैवी, मंगल इनका हैवी है, बट थोड़ा सा मुझे लगता है इनको अपने जैसे हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने से, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी की प्रसन्नता से मंगल का इम्पैक्ट तेज होगा और सर्जरी में एडमिशन मिलने के चांस बढ़ेंगे। और साथ ही साथ मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि किसी और सब्जेक्ट में भी के एग्ज़ाम की तैयारी भी साथ में करें, जिससे कि इनके इनको इनका समय ख़राब ना हो। तो ये मंगल थोड़ा सा मुझे मतलब होता ना बहुत हैवी मंगल जो चाहिए वो थोड़ा सा कम है, तो हनुमान जी की पूजा इन्हें हो सकता है हेल्प कर जाए। अब यहाँ पर देखें, अब इनका एक क्वेश्चन और था कि क्या एज अ डॉक्टर इनको सफलता मिल पाएगी, क्या राइज कर पाएंगे। देखिए बिल्कुल कर पाएंगे। मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, यहाँ पर ये इस तरह की लाइंस होती हैं, ये इस तरह की लाइंस जब भी होती हैं ये मेडिकल प्रोफेशन वालों के ज़्यादा होती है। ये मेडिकल प्रोफेशन वालों की, ये क्या होता है दूसरों को ठीक करने का काम करते हैं, हील करने का काम, ठीक करने के काम। तो ये दूसरों की जो प्रॉब्लम्स होती है वो सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैंने आपको ये लाइन दिखाई, फिर उसके बाद ये भी लंबी लाइन मेरे को दिख रही है और ये भी भाग्य रेखा में इस तरह से आ रही है, त्रिशूल नुमा निशान है।
ये बहुत अच्छा नेम फेम कराता है, बहुत बढ़िया हायर लेवल का नेम फेम। एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनते हैं ऐसे लोग, जैसे अब आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर में अच्छे नेम फेम वाले डॉक्टर, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर देखिए कितना क्लियर साइन है ये फिश का, देखिए ये अपने आप ही हाथ में उभर के आ रहा है, ये अपने आप भी इसको मतलब देखना ही नहीं पड़ रहा कि ऐसे बड़ा करके जूम करके पिक्चर को देखें, अलग ही दिखाई दे रहा है। तो ये फिश का निशान भी इन्हें लाइफ में नेम फेम सक्सेस कमाने में हेल्प आउट करेगा। ये जिस भी जहाँ भी काम करेंगे तो वहाँ पर होगा कि पेशेंट्स खुद ब खुद तारीफ करेंगे। होता है ना कि आपका काम बोलता है, आपको लोग खुद आपके काम से पहचानते हैं, ये वो चीज़ में हेल्प आउट करता है। अब इनके पाम को देखें तो ये रेक्टेंगुलर पाम है। रेक्टेंगुलर पाम वाले लोग जो होते हैं ना, वो जीवन में कभी हार नहीं मानते। इनको होता है कि बड़े चले बड़े चलो लगे रहो, इस तरह के लोग होते हैं। इनकी माइंड लाइन भी देखिए कितनी शार्प है, यहाँ से लेके इस तरह से जा रही है, ये इतनी बड़ी लंबी, यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ पे एंड हो रही है। ऐसे लोग जीवन में खाली नहीं बैठते, कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहता है इनके कि मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं और क्या बेटरमेंट करूँ अपनी लाइफ के लिए। अपनी लाइफ को लेके बहुत कंसर्न होते हैं, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते कभी ये लोग। इनके मस्तिष्क रेखा की मैं एक खास बात बताती हूँ, ये देखिए अभी ये माइंड लाइन ना, ये देखिए यहाँ पर ये रेडनेस लिए हुए हैं और यहाँ देखिए आप कितनी स्मूद है। तो ये टेंशन जैसा होता है ना, मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरे ड्रीम्स फुलफ़िल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, मेरे मम्मी पापा के आगे मैं क्या बोलूँगा, अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो मैं सबके आगे कैसा लगेगा, ऐसी कुछ चीज़ें दिमाग में चलते रहना, या होता है कि टेंशन ज़्यादा लेना। और ये चीज़ ना इनके हाथ में यहाँ पर ज़्यादा है, ये इस पोर्शन में ज़्यादा है, ये अर्ली 20s में ज़्यादा है। थोड़ी सी यहाँ पर आके ये 25-26 के पास कम हो जाएगी, और आगे चलेंगे और कम होती चली जाएगी। और मैं आपको बताती हूँ ये देखिए ये क्या करेंगे, ये कुछ रिसर्च भी करेंगे। ये देखिए यहाँ से ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है माइंड लाइन, तो ये कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। ये अपने तकरीबन 32 के आसपास, हमने भाग्य रेखा पे भी देखा था 32 पर चेंज आएगा, 32 पर आकर ये कुछ रिसर्च वगैरह करेंगे, कुछ बड़ा करना, कुछ रिसर्च करना, कुछ ऐसा कि होता है ना कि आपको लोग कि कुछ करके दिखाना बड़ा, कि जैसे कि हाँ इस डॉक्टर ने ये करके दिखाया, इसने ये चीज़ डेवलप करी है, ऐसा कुछ करके दिखाना। या आपका माइंड का बड़ा एक्सपोजर होता है तो आप चीज़ों पर रिसर्च कर करके उनको प्रूव करके दिखाते हैं, फिर लोग कहते हैं अच्छा हाँ ये तो बड़ी अच्छी नई चीज़ बताई इन्होंने, ऐसा कुछ। ये इनोवेटिव हैंड है, ये मेडिकल फील्ड का हैंड है लेकिन ये इनोवेटिव हैंड है, ये इस तरह की चीज़ें ये दिखा रहा है ये हैंड। अब भाग्य रेखा हमने देखी, हमने मस्तिष्क रेखा देखी, अब इनकी जीवन रेखा देखिए, यहाँ से ये देखिए ये इस तरह से चल रही है, ये बहुत जल्दी से अलग हो रही है। जब भी इतनी जल्दी से अलग होती है तो इंसान अपने होता है क्या, दूर रहना माता पिता से, इंडिपेंडेंट डिसीजंस होना, इंसान के खुद ब खुद सोचना कि अपने जीवन के बारे में, बहुत अर्ली एज से लोग सोचने लगते हैं। यहाँ पर देखिए अच्छी खासी जीवन रेखा चल रही है, ये देखिए ये, बल्कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्मूथनेस। थोड़ा सा देखिए स्ट्रगल तो सबके जीवन में आता है, चाहे मानी क्यों ना हो, स्ट्रगल करके ही सब आगे बढ़ते हैं, तो इनका भी वही है, अपनी मेहनत काबिलियत से आगे बढ़ते चले जाएंगे। सुनने में शायद थोड़ा लगता हो कि पता नहीं कैसे होगा, होगा नहीं होगा, थोड़ा सा लगता है, जाहिर सी बात है कि जब तक चीज़ें रिजल्ट आपके सामने नहीं आते तब तक हमारा मन ऐसे ही घबराता है। लेकिन जैसे ही ये रिजल्ट सामने आने लगेंगे 26 के आसपास आते आते, सारे चीज़ों का रिजल्ट इनको बहुत बढ़िया मिल चुका होगा और खूब बढ़िया लाइफ इनकी चल रही होगी। और फॉरेन कंट्री में ही इनका फ्यूचर दिखता है मुझे, ये देखिए ये रेखा यहीं जा रही है तो ये फॉरेन कंट्री में ही फ्यूचर है। यहाँ पे देखिए हार्ट लाइन, ये अच्छी खासी हार्ट लाइन है, सॉफ्ट नेचर होना। और जैसे कि अपने होता है कि डॉक्टर्स की जो नेचर होती है बहुत सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, हम्बल होते हैं, इस तरह की नेचर इनकी साफ दिखाई दे रही है, जो कि इस प्रोफेशन के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है। अब चलते हैं इनके हाथ में, यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए धन की तिजोरी अच्छी खासी है तो धन की कभी कमी नहीं रहेगी। और यहाँ पर भी ये ट्रायंगल बन रहा है, ये मनी सिचुएशन अगर मैं देखूँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मनी, इतना बड़ा ट्रायंगल किसी के हाथ में हो और भला पैसा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत बढ़िया। इनके हाथ में क्या है ये देखिए, थोड़ा सा मैं बोलूँगी कट्स क्रॉसेज है, ये देखिए ये लाइन्स कट कर रही है। अभी देखिए सूर्य रेखा अच्छी खासी ये चल रही है लेकिन उसको कट कर रही है,
टेंशन्स जैसे होता है, होता ना आप नेगेटिव विचार सोच रहे हो, बार बार सोच रहे हो चीज़ को लेके, तो वो थोड़ा सा आपको परेशानियाँ रुकावटें काम में बन रही हैं, तो वो चीज़ें, तो ऐसे में थोड़ा सा सुबह एक बार ज़रा सा 5 मिनट का समय निकाल के ओम का उच्चारण करके मेडिटेशन करना चाहिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना चाहिए, तो उससे ये सब नेगेटिविटी फ्लश आउट हो जाएगी। ये सब ये देखिए लाइन्स, ये हर्डल्स बनाती हैं काम में, तो ये सब करने से दिक्कतें दूर होती हैं। अब देखिए हाथ में यहाँ पर ये इस तरह से, ये देखिए जीवन में एक बार जो स्ट्रगल किया, जीवन का ग्राफ है, उसका पूरा बेनिफिट होल लाइफ मिलता है, यानी कि आपका स्ट्रगल जो है तकरीबन 25-26 तक चला, उसके बाद आपने पूरा उसका होल लाइफ बेनिफिट उठाया। अब इनकी फिंगर्स पर आते हैं, फिंगर देखिए ये जुपिटर की फिंगर इधर की ओर टिल्टेड है, तो ऐसे में भगवान में आस्था होना। यहाँ पर देखिए ये सन की फिंगर लंबी है, ऐसे में क्या होता है, इंसान अपनी लाइफ में अपने टैलेंट और स्किल्स के बेस पे आगे बढ़ता है। ऐसे लोग ये नहीं होता कि कोई मुझे पकड़ के चला देगा तो मैं चल जाऊंगा, किसी का सहारा मिल जाएगा, नहीं, अपने आप अपनी बेसिस पे ये आगे बढ़ते चले जाते, अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, अपने टैलेंट से आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक आ रही है, ऐसे में क्या होता है, इंसान टैक्टफुल होता है और इनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छी होती है, हर चीज़ को बारीकी से एनालाइज करते हैं, ध्यान से देखते हैं चीज़ को, जब तक पूरा एश्योर्ड नहीं आता तब तक यस नो आंसर नहीं आएगा इनकी तरफ से, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ये गुण एक जैसे कह सकते हैं आप डॉक्टर्स के मामले में तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर देखने को मिलता है, कि जब तक वो पेशेंट की पूरी बीमारी एनालाइज नहीं कर लेंगे तब तक वो कुछ कंक्लूजन नहीं निकालते हैं। तो ये चीज़ें ये देखेंगे, यहाँ पर ये इस तरह का गैप है, झरोका है, तो ये टाइम टू टाइम खर्चे भी करवाता है। तो देखिए खर्चा एक लाइफ का पार्ट होता है, अननेसेसरी खर्चे नहीं, आप अपनी रिसर्च के लिए पढ़ाई के लिए खर्चा कर रहे हो, फिर वो आगे आपको रिजल्ट्स दे रहा है, ये चीज़ें दिखती हैं। अब देखिए हाथ में पिंकनेस बहुत है, तो ऐसे लोग, और हाथ में सॉफ्टनेस भी बहुत है, सॉफ्ट हार्टेड बहुत होते हैं ऐसे लोग। अब चलते हैं इनके हैंड में फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखें इनके फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। ये देखिए हाथ में यहाँ पर बड़ा प्यारा चक्र का निशान है, ये देखिए राइट में ऐसे गोल गोल घूमता हुआ, ऐसा चक्र का निशान जब होता है इंसान को भरपूर नॉलेज होती है, बहुत नॉलेज होती है, किसी भी टॉपिक पर बात करवा लो, अपने टॉपिक पर तो ऐसा लगता है बिना तैयारी के बोल सकते हैं, इतना बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट स्किल होता है। अभी इनकी एज काफ़ी कम है, 22 ईयर एज है, ये सब चीज़ें फ्रूटिफाई होने में टाइम लेते हैं, ये सब जो चीज़ें रिजल्ट्स देती हैं समय समय पर, जैसे जैसे इनके हर 3-3 साल में, 5-5 साल में इनके अंदर ये सब स्किल्स और डेवलप होते जाएंगे, ये सब अपने अभी ये ऐसा लगता होगा देखने में कि कुल 35% रिजल्ट्स देना है, जब ये तकरीबन 26-27 पर पहुँचेंगे ये 50% रिजल्ट्स देंगे, और आगे चलेंगे 5 ईयर्स और 5 ईयर्स बाद तो 75%, फिर अपने फुल फ्लैश फॉर्म में ये आने लगते हैं, तकरीबन ये 35 तक आते आते फुल फ्लैश फॉर्म में ही आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी ये कितना बढ़िया चक्र का निशान ये है, तो ऐसे लोगों को क्या होता है, कोई भी दिक्कत परेशानी आती है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसे निकाल ले जाते हैं, बड़े स्किल्स के साथ ये लोग निकाल ले जाते हैं, बहुत हिम्मत होती है इनके अंदर। अब ये देखिए ये अगेन चक्र का निशानी सूर्य की फिंगर पर, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, सूर्य की फिंगर पर नेम फेम सक्सेस, ह्यूज लेवल की सक्सेस, नेम फेम सक्सेस। ये लोग ऐसे लोग क्या होता है, जैसे ये सूर्य रेखा हमने देखी इतनी लंबी थी, रिश्तेदारों में, जान पहचान वालों में, सब में बहुत अच्छी अर्ली एज पर नेम फेम बनाते हैं ये लोग। यहाँ पर देखिए ये अगेन चक्र का निशान है, ऐसे लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त होता है, कैसे पैसा बनाया जाए, पैसे को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, ये बहुत अच्छे से जानते हैं, ये स्किल्स इनके अंदर इनबिल्ट होता है, ये मतलब होता है ना किसी के सिखाने से नहीं होता, कुछ आइडियाज़ अपने दिमाग से खुद ब खुद आते हैं, ये उस तरह के लोग होते हैं, इनके पास ऐसे ऐसे आइडियाज़ होते हैं, ऐसे ऐसे प्लान्स होते हैं कि लोग खुद इनकी इनके आसपास वाले हैरान रह जाते होंगे कि एक छोटी सी उम्र में कितनी बड़ी बड़ी बातें सोचना, तो ये सब चीज़ें दिखती हैं। और एक चीज़ और ये देखिए हाथ में यहाँ पर इस तरह की लंबी लंबी रेखाएँ, तो ये इंसान को भाग्यशाली बनाती हैं। ऐसे लोग क्या होता है, जीवन में जिस चीज़ की इच्छा करते हैं वो आगे बढ़ती चली जाती हैं। अब जैसे घर बनाना है, आगे अच्छा जॉब चाहिए, आप हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, आप आगे और कुछ करना चाहते हैं, वो सब इच्छाएं एक आपकी एक एक करके पूरी होने लगती हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में, हाँ एक चीज़ और ये देखिए नॉलेज की रेखा, ये देखिए पढ़ाई की रेखा मैं दिखाती हूँ, ये देखिए पढ़ाई की रेखा, नॉलेज की रेखा एकदम मेरी नज़र गई, ये देखिए बहुत बड़ी,
पढ़ाई ये बहुत करेंगे, बहुत आगे तक करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी रेखाएं जब होती है ना, इंसान पीएचडी भी कर लेता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि मुझे आइडिया नहीं है कि वहाँ पर किस और कितनी हायर लेवल की पढ़ाई होती है, लेकिन अपने इंडिया में जैसे पीएचडी होल्डर बोलते हैं उस तरह की लेवल की होता है ना, कि आप ग्रेजुएशन किया आपने, फिर पीजी भी किया, फिर आपने और भी आगे पढ़ाई किया, कुछ और रिसर्च वर्क्स किए, वो इतनी लंबी लंबी रेखाएँ और वो भी दो फील्ड की, बहुत हायर लेवल की एजुकेशन दिलाती हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में अंगूठे थंब की ओर, देखें थंब क्या बताता है। अब देखिए यहाँ पर अगेन चक्र का निशान, पांचों उंगलियों में चक्र का निशान। इतना बड़ा चक्र का निशान पूरे हाथ को बल देता है। हाथ में कोई निशान हो या ना हो, ये चक्र अपने आप में सफिशिएंट होता है। ये चक्र बताता है कि इंसान अपने खुद कैसे भी परिवार में जन्म ले ले, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से अपने आप को राइज करा ही लेता है। ऐसे लोगों की खास बात ये होती है कि इनके अंदर स्किल्स और टैलेंट की कमी नहीं होती, ये चीज़ देखी जाती है। देखिए अंगूठा हमारे हाथ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब ये देखिए, अगर हम साइन करने के लिए पेन उठाएंगे तो भी हमें पेन पकड़ने के लिए अंगूठे की ज़रूरत होगी, उसके बिना हम पेन नहीं पकड़ सकते। खाना खाने के लिए चम्मच उठाएंगे तो भी हमें अंगूठे की ज़रूरत होती है। अंगूठा हमारा दिमाग होता है, ये बेसिकली माइंड होता है। और क्या होता है कि ये जब थंब जो है हमारा, इसके ये हमें पूरा ये हेल्प आउट करता है कि हमारी सोचने समझने की शक्ति, विल पावर को, लॉजिक प्लानिंग्स को दर्शाता है। अब ये देखिए यहाँ पर इनकी जो विल पावर है बहुत स्ट्रॉन्ग है और लॉजिक प्लानिंग भी अच्छा है। थोड़ा सा देखिए ये डिस्टर्बेंसेस हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स ये माइंड को अफेक्ट कर रहे हैं। तो जो मैंने इनको मेडिटेशन बताया, वो मेडिटेशन करने से ये सब प्रॉब्लम्स दूर होंगी। अब ये देखिए ये यहाँ पर ये थंब एकदम पीछे की ओर नहीं इंक्लाइंड है। जब भी थंब पीछे की ओर नहीं जाता तो ऐसे में इंसान जो है बहुत उसकी डिटर्मिनेशन पावर स्ट्रांग होती है। जो एक बार सोच लिया वो सोच लिया, जो करके दिखाना है मैं करके दिखाना है, मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे करके दिखाना है, मैं करके दिखाऊंगा, इस तरह की डिटर्मिनेशन पावर होती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जब तक ऐसी सोच नहीं होगी तो इंसान आगे कैसे बढ़ेगा। और एक चीज़ और यहाँ पर ये यव का चिन्ह, ये देखिए ऐसे में क्या होता है, इंसान एक बहुत अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेता है, अपने परिवार वालों का नाम रोशन करता है, माता पिता के होता है ट्रेडिशंस कस्टम्स, उनको फॉलो करना, उनके संस्कार जो दिए हुए संस्कारों को फॉलो करना। ये जो यव का चिन्ह है ये मिडिल एज में इनको बहुत राइज कराएगा, अर्ली एज में भी, मिडिल एज में भी बहुत राइज कराएगा, फिर एक स्टेगनेंसी दे देगा, एक स्टेबिलिटी दे देगा इनको। अब चलते हैं इनके राइट लेफ्ट हैंड की ओर, देखें लेफ्ट हैंड के सिम्बल हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये गुरु की फिंगर पर देखें तो यहाँ पर चक्र का निशान है। सेम हमने राइट हैंड में भी देखा था, अपना नेम फेम सक्सेस खूब बनाते, खूब नॉलेज भरपूर होती है ऐसे लोगों के पास में, लोगों की मदद करना बहुत ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टर्स का काम ही यही होता है कि आप लोगों को ठीक करते हैं, लोगों के काम आते हैं, वो चीज़ ये दिखाता है। अब ये देखिए यहाँ पर भी ये इस तरह का चक्र का निशान है, ये चक्र का निशान अगेन हमने शनि की फिंगर पर राइट हैंड में देखा था। तो कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, कैसा भी कठिन समय हो, ये उसको पार ले जाते हैं। अब ये देखिए ये अगेन सूर्य की फिंगर पर चक्र का निशान, तो ये 100% श्योर सक्सेस। ये क्या होता है कि जब आप अपने आप को 60 ईयर्स की एज पर एनालाइज करते हैं तब आप समझ पाते हैं कि आज से 40 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था। 60 ईयर्स की एज होती है ना, रिटायरमेंट एज मानते हैं अपने इंडिया में, तो मानते ही हैं, तो कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं डिपेंड था अपने पेरेंट्स पे, और आज मैं मेरे पास क्या नहीं है, मैंने इतना सपने में भी नहीं सोचा था, उतना बना लिया मैंने, ये निशान उस चीज़ को बताता है। अब देखिए यहाँ पर ये अगेन चक्र का निशान है, ये भी चक्र का देखिए, ये इस तरह का गोल गोल घूमता हुआ चक्र का निशान आ रहा है ये, तो ये भी बताता है एक अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा पैसा कमाने के अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना इनके अंदर, ऐसे स्किल्स देखे जाना। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का मुझे एक डबल लूप दिख रहा है। ये डबल लूप जो है, अगर हम देखें तो इनके हाथ में हमें 9 चक्र देखने को मिले, डबल लूप है, जीवन में उतार चढ़ाव दिखाता है। होता क्या है, ऐसा लगता है कि चीज़ें थोड़ा सा जैसे होता है ना यू टर्न, जीवन में ज़्यादा आना, अप एंड डाउन आना, ये चीज़ थोड़ा सा दिखाता है इनिशियल लेवल पर। लेफ्ट हैंड का है तो लेफ्ट हैंड का इतना इफेक्ट नहीं करेगा, राइट हैंड में 5 चक्र हैं हालांकि, तो राइट हैंड हमारा कर्म का हैंड होता है, राइट हैंड हमारे को पूरी तरह से जैसे कहते हैं ना, जो भी हम काम करते हैं सिग्नेचर करते हैं हम राइट हैंड से करते हैं, तो राइट हैंड का इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। तो ये थोड़ा बहुत शुरुआती समय में, जो इनका प्रेजेंट समय, इस समय इनको थोड़ा सा वो करेगा,
डिस्टर्ब करेगा, लेकिन आगे जो है जीवन में वो राइट हैंड जब ये अपना अपने प्रोफेशन को एज अ अर्निंग करने लगेंगे तो उसमें इनको बहुत तरक्की दिलाएगा। ये देखिए अगेन नेगेटिव लाइंस, ये सब इनको माइंड को परेशान किए हुए, टेंशन दे रहे हैं, इनके माइंड में टेंशन है। ये देखिए ये यव का निशान, ये यहाँ पर ये देखिए लेटर ऑन लाइफ खूब सक्सेसफुल, इनिशियल लेवल का स्ट्रगल है ये अर्ली ट्वेंटीज़ का, बस उसके बाद खूब राइज लाइफ में राइज करना। विल पावर स्ट्रॉन्ग है, लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र बहुत अच्छा है। अब इनकी 10 की 10 उंगलियों को समराइज करें तो हमें इनके हाथ में 9 चक्र के निशान मिलते हैं। 9 चक्र के निशान अपने आप में ही हाथ को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। ऐसे लोग हो ही नहीं सकता कि जीवन में सक्सेस ना मिले, बहुत आगे तक जाते हैं। तो 9 चक्र का जो ये हैंड है, 9 चक्र वाला, ये मुझे लगता है कि अवश्य कोई ऐसा हैंड है, ऐसे पर्सन का हैंड है जो जीवन में ह्यूज लेवल की सक्सेस देखना और कुछ बड़ा करके दिखाना होता है ना, कि आपको एक अपना, आपने जाके अपने देश का नाम रोशन किया, आपने जाके कुछ ऐसा बड़ा करके दिखाया कि मतलब आपको लोग आपके काम की वजह से जान रहे हैं, ऐसा कुछ बड़ा करके दिखाना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अब चलते हैं इनके हाथ में राइट हैंड में माउंट्स की ओर, देखें इनके हाथ के माउंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का वलय है, ये देखा जाए तो जैसे जब भी ऐसा गुरु वलय होता है ना तो इंसान कोई ना कोई ऐसा काम करता है जिसमें लोगों की मदद होती है, और ये प्रोफेशन जो है इनके मेडिसिन का प्रोफेशन है, ये इस चीज़ के लिए बेस्ट होता है। ये निशान इनको और हेल्प करेगा कि लोगों की तकलीफ़ समझने में, लोगों के लिए कुछ कर दिखाने के लिए, ये इस तरह का इंडिकेशन देता है। यहाँ पर देखिए लाइफ पार्टनर का भी सपोर्ट मिलेगा, और ये देखिए ये इस तरह से अगर मैं देखूँ तो ये एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट करना, ये इस तरह का दिखा रहा है। और ये देखिए एक मैं और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये ध्यान से देखेंगे तब दिख रहा है, ये देखिए इस तरह का लूप है, ये इसे कहते हैं राजा लूप। एक से एक जीवन में सुख भोगते हैं ऐसे लोग, क्या ऐसा सुख नहीं होता जो जीवन में ना भोगा हो, ये राजा लुक होता है। ये बहुत कम हैंड में देखने को मिलता है, बहुत कम हैंड में, ये तकरीबन मैंने देखा है कम से कम 100 हैंड में से जाके, 200 हैंड में जाके तब एक में देखने को मिलता है, वो भी एक कैटेगरी के पर्सन होते हैं कि सारे की एक ही कैटेगरी के हमने पर्सन देखे, बहुत सब एजुकेटेड है, सब बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, तब जाके किसी 100 में से एक के में देखने को मिलेगा ये। अब यहाँ पर ये अगेन एपेक्स का चिन्ह है, ईश्वर है, शक्ति का हाथ, देखिए पैसे की रेखा, धन की रेखा यहाँ पे एंड हो रही है, तो ओल्ड एज लग्जीरियस रहेगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये मैंने बताया ही था पढ़ाई की रेखा बहुत अच्छी है इनके हाथ में, नॉलेज बहुत बढ़िया रहेगी। एक यहाँ पर भी ये लूप है, तो ये लूप जो है, अब देखिए यहाँ पर सूर्य का पर्वत अच्छा खासा है, तो ये देखिए पिता का सपोर्ट, और साथ में ये मछली हमने देखी थी बहुत राइस कराती है, और ये देखिए यहाँ पर ये बुद्ध पर्वत अच्छा खासा है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये इस तरह का अपेक्स का चिन्ह है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना और लोगों को अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेना। अब यहाँ पर देखें तो मंगल पर्वत देखें तो थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम है, होता क्या है कि जैसे जल्दी घबरा जाना, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, सब अच्छा होगा नहीं होगा, पता नहीं मैं जीवन में कुछ कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, ऐसी कुछ विचार मन में आना। अब देखिए अंदरूनी मंगल है, अंदर से अपने आप को समझाते हैं पर बाहर से डरे डरे से, बाहर से घबराना थोड़ा सा ये चीज़ दिखती है, अंदर से बहुत बोल्ड है, अंदर से हर चीज़ को पार लगा ही जाते हैं, अंदर से अपने अंदर हिम्मत बंधाना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। देखिए चंद्रमा अच्छा है, अंदर से बहुत सॉफ्ट एकदम होता है ना, बिल्कुल बच्चों जैसा मन होना, जल्दी पिघल जाना, ये सब चीज़ें इनके अंदर काफ़ी हैं। यहाँ पर देखें तो एक मुझे ये फ़िश का निशान इस तरह का दिखता है, ये फ़िश का निशान बताता है जीवन में खूब राइज करना, खूब केतु का निशान है, केतु के माउंट पर है, तो ये अनएक्सपेक्टेड गेंस भी कराता है, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ भी दिलवाता है। ये देखिए ये शुक्र का पर्वत है, अच्छा खासा है, ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं ना, लविंग, केयरिंग, अफेक्शनेट, ऐसे इस तरह के बड़े दिल के लोग होते हैं, और थोड़ा सा इनके अंदर ना एक होता है कि सॉफ्ट फीलिंग्स ज़्यादा होती हैं, ये बहुत किसी को ना दुख नहीं पहुंचाना चाहते, अपनी तरफ से होता है कि बहुत सॉफ्ट फीलिंग्स, सबसे प्यार से बोलना, सबसे बड़े अपनेपन से बात करना, ये सब चीज़ें इनके अंदर काफ़ी हद देखने को मिलती हैं। अब चलते हैं इनके लेफ्ट हैंड की ओर, देखें लेफ्ट हैंड हमें क्या बताता है।
अब देखिए लेफ्ट हैंड में देखें तो गुरु पर्वत अच्छा है इनका, अगेन एपेक्स का चिन्ह भी है तो टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट करना, एक क्रॉस का चिन्ह भी है, लाइफ पार्टनर का भी सपोर्ट रहेगा। थोड़ा सा ये शनि पर्वत दबा हुआ है, मन में टेंशन चिंताएं दिखती हैं, और ये देखिए यहाँ पर भी ये बड़ा अच्छा ये फिश का निशान है, ओल्ड एज बढ़िया लग्जीरियस रहेगी, कोई पैसे रुपए की दिक्कत नहीं होगी, पैसे रुपए की दिक्कत ना इनको है ना थी ना आगे रहेगी भी नहीं। इनकी अगर मैं भाग्य रेखा देखूं तो ये देखिए इतनी लंबी है, ये तो किसी ऐसे फैमिली में जन्म लिया है जहाँ पे इनका ब्रिंगिंग भी बहुत बढ़िया हुआ है, पेरेंट्स ने बहुत कुछ करने की कोशिश करी इनके लिए, बहुत बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल, और आगे खुद भी अपने हैंड से, राइट हैंड कर्म का हैंड है, आगे खुद भी अपने कर्मों से और बेटर करके दिखाएंगे। ये यहाँ पर देखिए ये देखिए एक ये फ्लैग का चिन्ह बन रहा है, और ये देखिए ये स्टार का चिन्ह भी साथ में, दोनों चिन्ह एकदम इकट्ठे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया नेम फेम बनना। और ये फ्लैग का चिन्ह बताता है आप लोगों की सेवा भी करेंगे, होता है कई बार कि आप अर्निंग भी कर रहे हो साथ में आप लोगों की मदद भी कर रहे हो, ऐसा कुछ करके दिखाना। तो ये सब भी दिख रहा है, शनि पर्वत यहाँ पर, सूर्य पर्वत अच्छा है, अगेन बुध पर्वत बढ़िया है, ये देखिए हीलिंग लाइन्स इनके हाथ में बहुत अच्छी हैं। ये देखिए अपना बिजनेस करना, ये चीज़ें बहुत है, अपना बिजनेस करने की जो इनकी इच्छा है वो बहुत बढ़िया पूरी होगी। ये देखिए त्रिशूल नुमा निशान में दिखाती हूँ यहाँ पर, ये अगेन राइट हैंड की तरह से ये त्रिशूल का निशान इनके हाथ में बहुत बढ़िया बन रहा है। जब दोनों हाथों में इस तरह का त्रिशूल का निशान बनता है ना तो इंसान को जीवन में नॉट लुकिंग बैक वाली सिचुएशन होती है। भले ही देखिए होता क्या है, जेन्युइन सी बात है कि जब एज कम होती है तो हम, जब हम अपने अर्ली ट्वेंटीज़ में होते हैं तो हमें सब कुछ सपना सा लगता है, हमें लगता है पता नहीं ऐसे ही सब कह रहे हैं, हमारा कुछ होगा नहीं होगा, मैं कुछ कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, ऐसा तो नहीं मैं पीछे रह जाऊँगा, ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ ये हैंड की रेखाएँ फल देती जाती हैं और इंसान आगे बढ़ता जाता है। अब देखिए यहाँ पर मंगल पर्वत को अगर देखें तो अच्छा खासा यह मंगल है, ये देखिए इस हाथ का मंगल बेटर है, देखिए तो मुझे लगता है कि हनुमान जी की उपासना करने से, प्रार्थना करने से इनकी हो सकता है सर्जरी की इच्छा पूरी होने लगे। ये देखिए यहाँ पर भी ये चंद्रमा बहुत बढ़िया है, सॉफ्ट हार्टेड होना, और ये देखिए ये लेडी लक को भी सपोर्ट करता है। यहाँ पर देखिए शुक्र पर्वत बहुत बढ़िया है तो जीवन में हर तरह के सुख प्राप्त करना। अब आते हैं इनके ये देखिए जीवन रेखा की ओर, ये देखिए अच्छी खासी जीवन रेखा है, ये देखिए यहाँ पर दिखा रही है ये तकरीबन 25-26 में कुछ चेंजेस हैं, और ये देखिए राइज करने के चांस, ये लाइन ये तो ये हर 3-5 साल में और इंक्रीज़ कराना, इंक्रीमेंट्स देना, ये सब चीज़ें दिखा रही है। यहाँ पर देखें तो ये बड़ा अच्छा है, इस तरह का स्क्वायर का चिन्ह है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह बना लेना। यहाँ से देखिए लाइन एकदम सीधी, और यहाँ पर कुछ चेंज आया, 32 पे चेंज आएगा, फिर 35 पे चेंज, फिर 46-48, इस तरह से चेंजेस चलते रहेंगे और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पर देखिए माइंड लाइन भी शुरू में थोड़ी सी डिस्टर्ब है अर्ली 20s में, उसके बाद देखिए एकदम स्मूथ साफ स्वच्छ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ऐसा लगता है कि जो इच्छाएँ थी सब पूरी होने लगी। और ये देखिए ये इस तरह से ये हार्ट लाइन चल रही है, दो भागों में डिवाइड हो रही है, तो यानी कि दूसरों के लिए बहुत कुछ सोचना, बहुत कुछ करके दिखाना। ओवरऑल अगर मैं हैंड देखूं तो बहुत बढ़िया हैंड है, दोनों हैंड बहुत अच्छे हैं, और हमने हाथ में 9 चक्र के निशान देखे, 9 चक्र के निशान अपने आप में ही हैंड को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, और हमने जगह जगह फिश के निशान भी देखे, स्टार का निशान भी देखा, इतने सारे निशान देखे तो अवश्य ही बहुत बलशाली हैंड है, बहुत स्ट्रेंथ लिए वाला हैंड है, ये बहुत भरपूर फल देगा। तो हम देखा जाए तो ये काफ़ी एक जितनी भी इनकी डिज़ायर्स हैं वो सब पूरी होने लगेंगी टाइम टू टाइम। और मैं यही बोलूँगी कि हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इनकी सभी इच्छाएं पूरी हों, जीवन में खूब राइज करें, खूब धन नाम कीर्ति सब कमाएं, और जो कोई दुख परेशानी हो वो दूर हो। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस, धन्यवाद।